सो दिस इज द स्क्रीन, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है. सो लेट्स आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन. फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल बार, वेयर द टाइटल बार इज ऑफ कोर्स द टॉप बार इज द टाइटल बार वेयर यू कैन हैव द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू हैव स्टार्टेड, ठीक है. एंड देन वेयर इज द स्टैंडर्ड टूल बार, टेल मी ऑन द चैट वेयर इज द स्टैंडर्ड टूल बार. मेरी आवाज नहीं आ रही है, किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई? मेरी आवाज आ रही होगी सबको यकीनन, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड. नो कंजुलिमान, द टॉप वन इज अ टाइटल बार, ओके. यस, द सेकेंड वन is the standard toolbar. Standard toolbar means all the standard tools are over here, like file, edit, view, modify kind of menus that you always find in different softwares also. So this is a standard toolbar that is standard for almost every software. So this one is the standard toolbar, the second one, theek hai. The top one is the title bar, theek hai. And then where is the insert bar? Girls, tell me where is the insert bar? This one. Yes, the first one is the title bar, the second one is the standard toolbar, and this third one, say it, is the इंसर्ट बार, ठीक है. ये दोनों एक ही हैं, ये जो है ना, ये ठीक है. इसको आप मूव भी कर सकते हैं वेर एवर यू वॉन्ट. तो ये पूरा एक ही है, मतलब ये दोनों बार्स अलग नहीं है. दिस लाइट ब्लू कलर एंड देन वाइट कलर, ये एक ही बार है पूरा. इसको हम कहते हैं इंसर्ट बार, ठीक है. और इसको हम वापस ले जाते हैं इसकी जगह पे, ठीक है. सो दिस इज द इंसर्ट बार. इसमें ऑब्वियसली द इंसर्ट बार और इंसर्ट टैब ऑल आर यूज टू इंसर्ट डिफरेंट थिंग्स इनटू द प्रोजेक्ट, ठीक है. तो हेयर ऑल्सो द इंसर्ट बार कंटेन्स बटन्स फॉर क्रिएटिंग एंड इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, इमेजेस एंड फ्रेम्स एंड लेआउट्स, डिफरेंट लेआउट्स एंड different text, ठीक है. तो all these things can be inserted from here, from the insert bar, ठीक है. And then you have this document toolbar, ठीक है. Can you see the document toolbar? ठीक है. So this one is the document toolbar. यानी कि ये स्पेसिफिक हो गया कि अब हम ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं इसके जो टूल्स हैं वो सारे कहाँ हैं, वो सारे यहाँ हैं, ठीक है. इनमें से भी यू विल बी मोस्टली डीलिंग विद दिस व्यू, कोड व्यू, डिज़ाइन. वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. द डिज़ाइन टैब कंटेन्स द डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट, मतलब वॉट एवर यू आर राइटिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, दैट विल बी ओवर हेयर इन द डिज़ाइन टैब, ठीक है. एंड देन वेन यू राइट एनी थिंग एंड वेन यू सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज, द ड्रीम वीवर विल राइट द कोड फॉर दैट बाई इट सेल्फ. सो द कोड विल बी अपेयरिंग ओवर हेयर इन दिस कोड एरिया. देखें, फॉर नाउ एज आई हैव नॉट टाइप्ड एनीथिंग एंड आई हैव नॉट सेलेक्टेड एनीथिंग, सो इट हैज़ ऑलरेडी सेट द मेजर डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड ओवर हियर, ठीक है. ये आप सबको नज़र आ रहा होगा कि वो चीज़ें जो इसमें पहले से ही ज़रूरी होती हैं
जो द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द एचटीएमएल फाइल इज स्टिल देयर, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा. डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है, एक एचटीएमएल का जो स्टार्टिंग हमारे पास होता है, इन्होंने कुछ एक्सएमएल की भी कुछ इसके अंदर चीजें डाली हैं जो कि ये यूज करते हैं लाइब्रेरीज वगैरह, ठीक है. हेड स्टार्ट हुआ, ठीक है, और हेड के अंदर ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इन्होंने अपनी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन बना ली, टाइटल बना लिया, देखें अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट का, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम अनटाइटल्ड है, ठीक है. फिर हेड एंड हो गया यहाँ पे, एंड देन बॉडी स्टार्ट्स, तो कर्सर मेरा कहाँ ब्लिंक कर रहा है, बॉडी पे, देखें खुद ही से, क्योंकि वट एवर आई विल बी डूइंग ऑन द वेबसाइट विल बी ओवर हेयर इन द विल बी कंटेन्ड इन द बॉडी टैग एंड देन द एचटीएमएल एंड्स ओवर हेयर, ठीक है. So this is for designing and the HTML will be writing the code and the code will be appearing over here and this is split. Split means half code half design, ठीक है. So design will also be appearing and you will be able to see कि how the changes occur in the code, ठीक है. For example, if I write this is, you will see that the changes are appearing in the code as well. This is my first dream weaver site, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया. आई हैव रिटन दिस ओनली विदाउट एनी प्रॉपर्टीज, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो रिटन इन बॉडी टैग, क्योंकि बॉडी के अंदर वट एवर यू राइट विल बी अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन, राइट. सो दिस इज द केस हेयर ऑल्सो, बट इफ आई एम गोइंग टू मेक इट बोल्ड और if I need to change the text font style and the color, then the properties will start changing over here. ठीक है, so you see, I make it bold over here. ठीक है, तो for making bold, they have used another tag. This is a new tag for making bold. ठीक है, अगर हम इसको B करके देखते हैं, तो let's see, देखें जैसे कि ये bold हो गया है, ठीक है. So they have used a strong tag. That tag is also used for making bold. Bold करके हम देखते हैं कि bold जो है वो यहाँ पे bold कर रहा है या नहीं, ठीक है. तो bold भी यहाँ पे bold ही करेगा और strong भी bold ही करेगा. तो both of these tags are used to make something bold. अब अगर हम इसी को इटैलिक कर दें, तो इटैलिक के लिए दे हैव यूज्ड ईएम टैग. देखें थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं. ड्रीमवीवर जब यूज करता है ना, तो वो एचटीएमएल के साथ साथ एक्सएमएल को भी यूज करता है, ठीक है. दैट आल्सो इज अनदर टाइप ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है. और ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्स एचटीएमएल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है. तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस बिटवीन दीज टाइप्स, और ये बहुत वास्ट सॉफ्टवेयर है. तो इन एचटीएमएल वी आर अवेयर ऑफ ओनली अ लिमिटेड टाइप ऑफ टैग्स ऑब्वियसली, बिकॉज वी डू नॉट वी कांट रिमेम्बर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टैग. तो हमें एक काम के लिए एक ही टैग पता होता है, तो हम वही यूज कर लेते हैं, ठीक है. बट एचटीएमएल कैन ड्रीमवीवर कैन डू द सेम थिंग फॉर डिफरेंट टैग्स एज वेल, ठीक है. तो यहाँ पे दिस स्प्लिट टैग इज यूज टू, स्प्लिट बटन इज यूज टू शो द कोड एंड द डिजाइन व्यू ऑल्सो, ठीक है. एंड देन वी हैव डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है. सो द डॉक्यूमेंट टाइटल विल बी ओवर हियर, यू कैन चेंज इट वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है. एंड देन वी हैव दिस. देखें आप लोग क्या करते थे कि जब आप कुछ भी लिखते थे एच टी एम एल में, तो आपको डॉट एच टी एम एल के साथ कुछ सेव करना पड़ता था, एंड देन यू नीड टू ओपन द ब्राउजर एंड देन यू विल बी एबल टू सी वॉट द आउटपुट इज कमिंग. बट नाउ हेयर यू कैन डायरेक्टली वॉच द आउटपुट फ्रॉम दिस ऑप्शन, दैट यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है. ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये जो आपको मैं बता रही हूँ, दिस इज द ऑप्शन दैट्स नेम इज प्रीव्यू डीबग इन द ब्राउजर, ठीक है. तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो मेरा प्रोग्राम या मेरी फाइल डायरेक्टली उसमें खुल जाएगी ब्राउजर पे, ठीक है.
और अगर आपने बार बार रिफ्रेश करना हो डिजाइन व्यू को, तो आप बार बार इसे कर सकते हैं. दिस रिफ्रेश बटन इज यूज फॉर दैट. दीज आर डिफरेंट व्यू ऑप्शन, कि आपको रूलर्स व्यू करने हैं, ग्रिड व्यू करनी है, वर्ड रैप यूज करना है, जो जो भी व्यूइंग आपके लिए ऑप्शन हैं वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं. बट द मेन ऑप्शन आर दिस एंड दिस. सही है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये बनाया है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू सी इट इन द ब्राउजर, आई विल क्लिक ऑन इट. ठीक है, वो मुझसे पूछेगा, मैं सेव कर दूंगी. सेव. ठीक है, एंड देन द दिस विल बी ओपनिंग अप. सही है, बस ये डायरेक्टली आपके पास जाके ब्राउजर पे खुल जाएगा. ठीक है, कि मेरी वेबसाइट जो है वो कैसी लग रही है. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज पैनल्स ग्रुप्स. पैनल्स ग्रुप आपको नजर आ रहे होंगे साइड में, ऑन द राइट कॉर्नर यू हैव ऑल दीज पैनल्स, जो कि डिफरेंट चीजों के लिए हम यूज करते हैं. बट फॉर नाउ वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द पैनल ओवर हियर. ठीक है, देन यू हैव स्टेटस बार. स्टेटस बार इज जस्ट द सेम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन चेंज द मैग्निफिकेशन विद द जूम टूल, एंड यू कैन चेंज द विंडो साइज. ठीक है, एंड इट विल बी टेलिंग यू के वेयर यू आर इन द प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर चेंजिंग द बॉडी, देन इट विल बी शोइंग यू दिस बॉडी टैग ओवर हेयर. ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन सी ऑन द स्टेटस बार. ठीक है, एंड नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक एडिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस. इफ यू वॉन्ट टू एड सम टेक्स्ट एंड इमेजेस, देन हाउ यू डू इट, लेट्स कम हियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ वी कैन एड डिफरेंट टैग्स, डिफरेंट टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा और मैं कुछ और कॉन्टेंट इसके अंदर डालना चाह रही हूँ. ठीक है, मैं कहाँ से ले सकती हूँ कॉन्टेंट? कहीं से भी उठा लें आप, इंटरनेट से, विकिपीडिया पे जाके जो भी आप कंटेंट उठाना चाह रहे हैं ना वो आप ले लें, और वो आप यहाँ पे सारा कॉपी पेस्ट कर दें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू क्रिएट अ पेज अबाउट हीरा फाउंडेशन स्कूल और समथिंग लाइक दैट, यू कैन जस्ट गो टू दैट स्पेसिफिक वेबसाइट एंड यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर. ठीक है, एंड देन यू जस्ट नीड टू, व्हेन देयर इज अ टेक्स्ट ऑन द डिजाइन एरिया, द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर बिकम्स समथिंग लाइक दिस ओवर हेयर, एंड यू विल सी ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेक्स्ट. दिस इज वॉट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आप किस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बुक में है ये अभी, कि आप किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एवरी थिंग इज नोन टू यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो इसको आपने हेडिंग बनाना है, जो भी बनाना है. द फॉर्मेट कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम हेयर, द फॉन्ट कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम हेयर. ठीक है, द साइज कैन बी डिसाइडेड, द बोल्ड एंड इटैलिक, द कलर, द अलाइनमेंट. देखें, सी एस एस इज द कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स मेरे ख्याल से आप लोग 8 में असल में ये आई है, जो अभी ये नया बुक है ना आपकी, जो नया एडिशन आया है, इसमें CSS है. ठीक है, बट इन ग्रेड 7. ठीक है, तो वो मैं पहले ग्रेड 7 में करवा चुकी हूँ कि CSS क्या होता है. बट ऑब्वियसली आप लोगों ने, क्योंकि 7th पढ़ ली है और आप 8 में अभी थर्ड एडिशन पढ़ रहे हैं, तो CSS नहीं है. कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आर द स्टाइल शीट्स दैट आर यूज टू चेंज द वे द एलिमेंट्स लुक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैंने एलिमेंट यूज किया है, लेट्स से बोल्ड का, या फिर फॉन्ट स्टाइल का, या कोई सा भी, तो वो एलिमेंट्स किस तरह से नजर आना चाहिए, वो किस तरह से अपेयर होगा, उससे रिलेटेड कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हम यूज करते हैं. और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर वेबसाइट अट्रैक्टिव. मीन्स इट ऑल इट इज ऑल रिलेटेड टू द अपेयरेंस ऑफ द वेबसाइट एंड द वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट दैट यू हैव बीन वॉचिंग ऑन द इंटरनेट. लाइक देर इज अ
स्लाइड शो ऑफ द पिक्चर्स गोइंग ऑन, ठीक है, आपकी जैसे हीरा फाउंडेशन की एप्लीकेशन है तो उसकी पिक्चर्स जो हैं वो वहाँ पर चलती रहती हैं, एंड द वेबसाइट्स लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव, देर आर मेन्यूज दैट यू जस्ट होवर ओवर देम एंड द मेन्यूज ओपन अप एंड देर आर डिफरेंट थिंग्स, ऑल दैट डिजाइनिंग एंड अपेरेंस रिलेटेड थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ CSS, ठीक है. तो CSS भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी आर नॉट एडिंग CSS ओवर हियर, जस्ट स्टिक टू द अदर ऑप्शंस रिलेटेड टू टेक्स्ट, कि हम यहाँ पे जो भी हमें टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में करते रहेंगे. एज वी चेंज द टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर चेंजिंग ओवर हेयर, इफ यू आर एडिंग टेक्स्ट देन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विल स्टार्ट हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट. वेन आई इंसर्ट एन इमेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज विल स्टार्ट अपेयरिंग ओवर हेयर, ठीक है. तो यू कैन ऑल्सो एड अ लिंक ओवर हेयर. देखिए लिंक का मतलब ये होता है कि यू मस्ट हैव सीन द टेक्स्ट दैट इज हाइपर लिंक्ड, ठीक है. अब ये टेक्स्ट तो है बट आई वॉन्ट टू मेक इट हाइपर लिंक्ड, कि व्हेन आई क्लिक ऑन इट इट राउट्स मी टू सम पेज एल्स, ठीक है, टू सम अदर पेज, देन आई नीड टू मेक इट हाइपर लिंक. तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक ऑप्शन. दिस इज जस्ट कमिंग इन अ वाइल, ठीक है. ये भी थोड़ी देर में ही टॉपिक आ रहा है कि हाउ वी कैन एड हाइपर लिंक्स, तो ये भी हम कवर करेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट को हाइपर लिंक में कन्वर्ट करते हैं, कि वी जस्ट नीड टू क्लिक एंड देन द सिस्टम राउट्स मी टू अनदर वेब पेज, ठीक है. तो ये भी इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे. तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर जस्ट रिलेटेड टू दिस टेक्स्ट एंड यू कैन हैव ऑल ऑफ दैट हेयर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको और ऑप्शन चाहिए एंड द ऑप्शन दैट यू वॉन्ट टू सेट इज नॉट अपेयरिंग ओवर हेयर बिकॉज इट्स जस्ट अ लिमिटेड वर्जन of the properties of the text that are available. If you need to go to the all the settings, you have to click on this page properties. It holds all those details with the with some other details also. ठीक है, तो आप वो भी इसमें से change कर सकते हैं, ठीक है. background image कोई डालनी हो, फिलहाल मेरे पास कोई image है. यस, सेव टेक्स्ट कलर. ब्लैक ही रख लेते हैं, ठीक है. बहुत बड़ी इमेज है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं. छोटी इमेज होगी तो वो मल्टीपल टाइम्स आ रही होगी, ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है. बड़ी इमेज होगी तो वो खुद ही पूरा बैकग्राउंड कवर कर लेगी. टेक्स्ट को हम कर देते हैं 10. ठीक है, तो देर आर मैनी ऑप्शन दैट यू कैन सेट. ठीक है, तो इसमें चीजें बहुत सिंपल हैं. मतलब इमेज के लिए आपको कितना बड़ा एक टैग लिखना पड़ता था कि आप बैकग्राउंड इमेज लगाएं और फिर उसको आप किस तरह से लगाएंगे, तो एक बहुत लंबा वो प्रोसेस था. बट हियर द केस इज डिफरेंट, ठीक है. आप जो है वो सिंपल तरीके से चीज़ों को बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है. तो बस ये हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन मैं जल्दी जल्दी इसको करूँगी ख़त्म, ताकि हम जो है ना वो अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आएँ, बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम. क्लासेस जो हैं वो आर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड, ठीक है.
अच्छा, हाउ वी कैन इंसर्ट इमेजेस, ठीक है, तो इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है? इमेजेस ऐसे इंसर्ट करनी है कि जस्ट पुट द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर। ठीक है, एंड देन गो टू दिस इमेज इमेज एंड दिस इमेज, सेव सेव, यस। कोई डिस्क्रिप्शन इसकी लॉन्ग नहीं, कुछ नहीं देना, ठीक है, तो द इमेज विल बी इंसर्टेड। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट डिफरेंट इमेजेस ओवर हेयर। मतलब आप ना, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ओके, मुझे ब्राउजर लिस्ट चेंज करनी है, आई वॉन्ट टू हैव सम अदर टाइप ऑफ ब्राउजर। क्रोम, आई वॉन्ट टू ओपन इट इन क्रोम, वो पता नहीं कौन से ब्राउजर में खुल रहा है। सही है, व्हेन आई क्लिक, ठीक है, तो इट ओपन्स अप ओवर हियर। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ पिक्चर, क्रिएटिंग अ वेबसाइट अबाउट डिफरेंट फ्रूट इन पाकिस्तान, तो आप क्या करेंगे, अपना एक लगा लेंगे कुछ भी हेडिंग, एंड यू विल जस्ट सेंटर लाइन इट, ठीक है, एंड देन यू विल हैव डिफरेंट टेक्स्ट एंड यू विल हैव डिफरेंट पिक्चर्स। जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट पे यही होता है ना, उस टेक्स्ट होते हैं और पिक्चर्स होती हैं उससे रिलेटेड, सो दैट कैन बी डन वेरी इजीली इन ड्रीमवीवर, कि आप अपनी जो इमेज है वो चेंज कर सकें। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस ओवर हियर, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पहले भी देखी होंगी। मैं एक और यहाँ पे लगा देती हूँ, वो जो आपने देखा होगा ना कि आप जब पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो दूसरी पिक्चर में चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ रोल ओवर इमेज, दैट ऑल्सो कैन बी एंटर्ड ओवर हेयर। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाती हूँ, रोल ओवर इमेज, ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ बोल्ड, ठीक है, और इसके लिए मैं इमेज ऐड करती हूँ। व्हेन आई गो टू दिस इमेज टैब, देर इज रोल ओवर इमेज, ठीक है, रोल ओवर इमेज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या होती है। रोल ओवर इमेज इज द इमेज व्हेन यू होवर ओवर इट, मतलब व्हेन यू ब्रिंग द माउस कर्सर ओवर हेयर, इट चेंजेस टू अदर इमेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रोल ओवर इमेज। तो ओरिजिनल इमेज आपने कौन सी रखनी है, लेट से दिस इज माई ओरिजिनल इमेज, ठीक है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये किस इमेज में चेंज हो जाए, ये इस इमेज में चेंज हो जाए, ठीक है, यानी ओरिजिनल इमेज एंड रोल ओवर इमेज, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ओरिजिनल इमेज इट विल कन्वर्ट टू दिस रोल ओवर इमेज, ठीक है, एंड ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप कुछ भी डालना चाहें, मतलब इट्स लाइक अ कैप्शन ओनली, ठीक है, और व्हेन क्लिक्ड गो टू द यूआरएल, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप कहाँ चले जाएं, लेट्स से मैं इसमें डाल देती हूँ कौन सा लूँ, कॉपी लिंक, मैं यहाँ चली जाऊँ, ठीक है, तो मैंने इसके एक लिंक डाल दिया, ठीक है, ताकि ये उस लिंक पे मुझे राउट कर दे जब मैं उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँ तो, ठीक है, यानी कि आपने एक इमेज डाली, रोल ओवर इमेज डाली, और जब इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो इस लिंक के ऊपर चला जाए, बस ओके कर दिया, ठीक है, सो दैट इमेज हैज बीन एडेड, विच इज अ वेरी लार्ज इमेज। इसको हम रन कर लेते हैं ताकि कुछ हमें समझ आए, ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर लेकर आ रही हूँ, दूसरी इमेज में चेंज हो रहा है, ये दोनों ही बहुत बड़ी HD इमेजेस हैं, ठीक है, इसको हम रीसाइज भी कर सकते हैं, देखिए मैं इसके ऊपर लेकर आई, ये चेंज हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया, तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो इट विल राउट मी टू द लिंक दैट आई हैव एडिट, इट शुड राउट मी
यस सो हेयर इट हैज राउटेड मी। तो इसी तरह से होता है कि आपके पास पिक्चर लिंक्स होते हैं कि व्हेन यू क्लिक ऑन द पिक्चर द पिक्चर राउट्स यू टू समथिंग एल्स, ठीक है, या फिर यू क्लिक ऑन द टेक्स्ट राउट्स यू टू समथिंग सम पेज एल्स, ठीक है। तो इट वर्क्स लाइक दिस, बट इट इज वेरी इजियर इन ड्रीमवीवर, ठीक है। ये सब सारे काम ड्रीमवीवर में बहुत आसान है। रीसाइज आप इमेज को ऐसे कर सकते हैं कि आप बता देती हूँ मैं जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। सॉरी पेंटर नहीं है, पेंट में जाना है। टाइम हमारे पास थोड़ा कम ही रह गया, 6 मिनट है, ठीक है। फाइल ओपन दिस फाइल, ठीक है, रीसाइज पिक्सल्स 2048 है ना, इसको मैं कर देती हूँ परसेंटेज से कर दूँ आधी कर दूँ, आधी से भी आधी कर देती हूँ 25, सही है। तो ये इतनी छोटी सी हो गई, और फिर रिसाइज पिक्सल्स, पिक्सल्स भी 500 हो गए इसके, ठीक है। तो बस ये सेव हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब जब आप अपनी पिक्चर लगाएंगे तो दैट वुड बी अ स्मॉलर वन, ठीक है, माय स्मॉलर इमेज। ऑफ इमेज डेस्कटॉप, दिस 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 दिस, ओके, ठीक है। तो अब ये छोटी हो गई है, सही है। और अब आप इसको ही रोल ओवर भी बना सकते हैं, दूसरी वाली जो है उसको भी छोटा कर लेते हैं। इतनी चीज़ें खुली हुई हैं, जैसे कि ये है, रीसाइज 25%, सेव, ठीक है। ड्रीमवीवर में गए, रोल ओवर इमेज ली, ओरिजिनल इमेज ली, ठीक है, रोल ओवर, ठीक है, रन, ठीक है। अब ये थोड़ी छोटी हो गई है साइज में, व्हेन आई क्लिक तो google.com पे नहीं जा रहा ये, क्योंकि मैंने शायद लिंक गलत कर दिया है। नहीं क्या हुआ है बहरहाल इसमें, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप इसकी इमेजेस और रोल ओवर इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क सुन लें, वर्किंग विद हाइपरलिंक्स पर आपको आना है, और पेज नंबर, नहीं पेज नंबर तो नहीं है ये, तो खैर मेरी पुरानी वाली बुक है, इसमें पेज नंबर सब आगे पीछे होंगे। तो इसमें आपने
करना ये है कि आपने मुझे होमवर्क में देखें, दीज होमवर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको ये बता दूं कि आपने मुझे 3 जुलाई से पहले पहले सारे होमवर्क जो है वो सेंड कर देने। मैं फिर भी अभी तक आपको टाइम दे रही हूँ कि समर ब्रेक का होमवर्क नहीं भी किया है तो भी मुझे सेंड कर दें अभी भी, वरना कोई भी और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका मार्च अप्रैल मई का जो होमवर्क था वो, और ये सब कुछ मुझे 3 जुलाई से पहले पहले जो सेंड कर देगा ठीक है, वरना 4 जुलाई से हमें रिजल्ट जो है वो देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी 9th तक क्लासेस तो हो रही होंगी, बट देर वोंट बी एनी टाइम फॉर असाइनमेंट सबमिशन एंड देन मार्किंग, क्योंकि रिजल्ट हम पहले ही बना चुके होंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको जो भी असाइनमेंट दे रही हूँ वो आप टाइम टू टाइम टाइमली करें। ठीक है, मतलब जो जिस दिन दिया जाए उसको उसी दिन ही कर लें, क्योंकि ये आपका 40% है जो जून जुलाई का रिजल्ट है, जून जुलाई के असाइनमेंट्स हैं वो 40% है। तो मैं गूगल क्लासरूम पे होमवर्क अपलोड कर देती हूँ और आप लोग उसको कर लें, ताकि जो आपका 40% रिजल्ट है वो सफर ना करे। ठीक है, इसमें आपने देर नहीं करनी, वरना 40% रिजल्ट ये जाएगा आपका, 30% समर ब्रेक एंड 30% थर्ड बाई मंथली असेसमेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो ऑल टुगेदर इट बिकम्स 100%, तो इससे आपका रिजल्ट बनने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल एंड बी ऑन टाइम। ओके, वी हैव लेस देन 1 मिनट, विच मीन्स क्लास इज जस्ट गोइंग टू एक्सपायर। आई एम एडिंग द होमवर्क ऑन गूगल क्लास रूम, प्लीज ट्राई टू डू इट एज क्विक एज पॉसिबल। ठीक है।